देखो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टोयोटा की अपकमिंग कार कोरोला क्रॉस के बारे में। हालांकि टोयोटा की ये कार एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है जिसको ग्लोबल मार्केट में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसके इंटीरियर में बहुत ही जबरदस्त फीचर्स ऑफर किए जाते हैं और इसका एक्सटर्नल लुक काफी हद तक जबरदस्त है। टोयोटा कंपनी ने इस कार को TNGA-C इस प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया है जिसके अंदर आपको अच्छी खासी सेफ्टी भी मिलेगी। वही इस कार के अंदर आपको 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव का सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। इस कार की अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो टोयोटा करोला क्रॉस की लेंथ है 4460 mm की जो कि क्रेटा के मुकाबले 160 mm ज्यादा है। इसके अलावा इसकी विड्थ है 1825 mm की जो कि क्रेटा के मुकाबले 35 mm ज्यादा है। इसके अलावा इसकी हाइट 1620 mm की है जो कि क्रेटा के बराबर है। तो यहाँ पर लेंथ के मामले में और वेट के मामले में टोयोटा की ये कार क्रेटा से थोड़ी सी बड़ी है लेकिन दोनों ही कारों की जो हाइट है वो लगभग सेम ही है। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो टोयोटा कंपनी ने इस कार के अंदर 1.8 लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि लगभग 97 BHP की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। और ये जो पावर आउटपुट है ये क्रेटा के मुकाबले थोड़ी सी कम है लेकिन इस कार के अंदर और ज़्यादा पावरफुल इंजन दिया जाता है जो कि है 2.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और ये इंजन लगभग 169 BHP की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। और इस इंजन की जो पावर आउटपुट है वो क्रेटा के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशंस भी आपके सामने है। वही अगर मैं इसके एक्सटर्नल लुक की बात करूँ तो जो 2022 का जो मॉडल है इसके अंदर काफी बड़े अपडेट्स करे गए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल। जैसे कि इसके फ्रंट फेशिया में लाइटिंग सेटअप को अपडेट किया है थोड़ा सा। इसके फ्रंट फेशिया में आपको लाइटिंग सेटअप के तौर पर LED DRL मिलेगा। इसके अलावा फुल LED हेडलाइट का सेटअप भी दिया हुआ है। वही इसके फ्रंट के जो ग्रिल्स है इसका डिजाइन भी काफी हद तक यूनिक रखा है और इसके सराउंडिंग में आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसके फ्रंट के बम्पर्स के ऊपर सिल्वर स्किड प्लेट दी जाती है। वही इसके फेंडर्स के ऊपर और साइड क्लैडिंग के ऊपर ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी जाती है। 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा बॉडी कलर के ORBMs भी इसके अंदर दिए जाते हैं। वही अगर मैं रियर फेशिया की बात करूँ तो आप इसका रियर का फेशिया देख सकते हैं। इसके अलावा इसका स्लोपिंग रूफलाइन भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। इस कार का जो रोड प्रेजेंस है वो काफी हद तक जबरदस्त रहने वाला है। इसके रियर के फेशिया में स्प्लिट LED टेल लाइट का डिजाइन दिया हुआ है। इसके अलावा इसके रियर के बम्पर्स थोड़े से स्पोर्टी रखे हैं, थोड़े से बड़े बम्पर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह से इसका एक्सटर्नल लुक है उससे कई गुना ज्यादा प्रीमियम इसका इंटीरियर रखा हुआ है। जैसे कि इसका इंटीरियर का थीम कंपनी ने ब्लैक कलर के साथ रखा है और इसके डैशबोर्ड के ऊपर, सीट्स के ऊपर, अपोस्ट्री और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर काफी प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कार का। एंटरटेनमेंट के लिए इस कार के अंदर बड़ा 10.5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है और इस कार के अंदर आपको कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। यानी आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू इस कार को कंट्रोल कर सकोगे। काफी जगह पर पियानो ब्लैक की फिनिशिंग और सिल्वर कलर की ट्रीटमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगी जिसकी मदद से इसके इंटीरियर में एक प्रीमियम लुक आ जाता है। इसके अलावा ड्राइवर के लिए फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इस कार के अंदर दिया जाता है। पैनोरामिक सनरूफ भी इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है। हालांकि आज के डेट में क्रेटा के अंदर भी दिया जाता है पैनोरामिक सनरूफ, तो यहाँ पर टोयोटा की इस कार के अंदर भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो टोयोटा की तरफ से इस कार के अंदर टोयोटा सेफ्टी सेंस 2.0 का इस्तेमाल किया हुआ है जिसके तहत बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी ऑफर करे जाते हैं इस कार के अंदर। लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूँ तो टोयोटा कंपनी सबसे पहले हाइलक्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है जो कि एक पिकअप है। उसके बाद RAV4 को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा जिसको ऑलरेडी टेस्टिंग के दौरान स्पाइड किया जा चुका है और RAV4 को इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा। सिमिलरली टोयोटा की करोला क्रॉस इस कार को भी इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। टोयोटा ने एक बात कंफर्म कर दी कि वो इंडिया में अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, वो कुछ कारों को इंडिया में इंपोर्ट करेगी जैसे कि RAV4 हो गई, इसके अलावा हाइलक्स हो गई, इसके अलावा करोला क्रॉस और बाकी की कारें हो गई। हालांकि इनको जब इंपोर्ट किया जाएगा तो इनकी जो कीमत रहेगी वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी क्योंकि इंपोर्ट के टैक्सेस थोड़े से हेवी लगते हैं, तो डेफिनेटली इन कारों की कीमत भी ज्यादा रह सकती है। अगर करोला क्रॉस की कीमत की बात करो तो इस कार की कीमत इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद 10-15 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। हालांकि इसके ऊपर इंपोर्ट टैक्सेस थोड़े से ज्यादा लगेंगे, उसकी वजह से इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है। आपको क्या लगता है टोयोटा की इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार की कीमत कितनी होनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।